भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, उनके मंत्रियों को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी। सुकमा की घटना इन पर जो दबाव बढ़ा है इसकी बौखलाहट है कि देश विरोधी की ताकतों को दबाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सक्षम है। कश्मीर कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकता। आप चुनाव जीते तब भी भाजपा सरकार थी और तब भी ये ईवीएम मशीन थे। दिल्ली की जनता ने राइट टू रिकॉल का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं राहुल कमल। दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी के शहंशाह अब निकले हैं मिशन बंगाल पे। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। स्वागत है आपका। दिल्ली में पार्टी की बड़ी जीत हुई, क्या अब माना जाए कि बंगाल में भगवा झंडा फहराने के लिए आप यहाँ पे आ गए हैं? देखिए, मेरा बंगाल का अभी का जो 3 दिन का टूर है, ये पार्टी एक्सपेंशन का ही प्रोग्राम है और न केवल बंगाल, पूरे देश भर में लगभग भारतीय जनता पार्टी के 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता फुल टाइमर बनकर हर बूथ में पार्टी के एक्सपेंशन के लिए काम करने वाले हैं। और दीनदयाल विस्तारक योजना जो दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत चल रही है, उसी के तहत मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते 3 दिन बंगाल में आया हूं। स्वाभाविक रूप से जब पार्टी के विस्तार की बात होती है तो पार्टी का विस्तार वही जगह ज्यादा करने का सवाल होता है जहां पर पार्टी अभी तक संगठनात्मक रूप से मजबूत नहीं है। तो हमारा फोकस केरल, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट पर है और ये सभी जगह पे मेरे दौरे लगे हैं। मैं 3 दिन रहने वाला हूं और देश के हजारों कार्यकर्ता हर राज्य में इस प्रकार से एक एक बूथ पकड़कर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए, एक्सपांशन के लिए निकले हैं और ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है और बहुत अच्छा प्रतिसाद बंगाल के अंदर मिल रहा है। बंगाल में मुझे स्पष्ट दिखाई दे पड़ रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरने वाली है। पर तृणमूल कह रही है कि अमित शाह ही नहीं आए हैं, उनके साथ सीबीआई भी आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आया है। उनका कहना है कि साम दाम दंड भेद सब तरीके अपना रही है बीजेपी कि किसी तरीके से ममता बनर्जी गिर जाए। देखिए, आपने शायद नारदा स्ट्रिंग देखा है या नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं। कोर्ट, सीबीआई जांच, ये सारी चीजों को साइड पर रख दीजिए। जब आप कैमरे के सामने घूस ले रहे हो, किसी का दोष क्यों निकालना? आपके नेता कैमरे के सामने घूस ले रहे, इसका क्या जवाब है आपके पास? और नारदा की सीबीआई जांच का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नहीं किया है, पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है। तो सीबीआई को कारण क्यों दे रहे हैं भैया? ये कोई गलत प्रकार के केस ने जिसमें आप स्पष्ट रूप से घूस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं? ममता बनर्जी कहती हैं कि वो सीडीज फिक्स्ड है, वो अपने नेताओं को बचा रही हैं, डिफेंड कर रही हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत किया गया। नहीं, मगर वो नेता उनके है या नहीं है? उन्हीं के नेता हैं, डाउट क्या है? और घूस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? कैमरे पे तो दिख रहा है ले रहे हैं। तो फिर किसी ने साजिश करी या नहीं करी? आप साजिश कैमरा के बगैर घूस लेना वो ठीक है और कैमरा के सामने कोई घूस लेते पकड़े जाए तो साजिश है? मेरी तो समझ में नहीं आया किस प्रकार का तर्क दे रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो नेता पकड़े गए हैं, नारदा स्टिंग हो, उससे पहले शारदा की इन्वेस्टिगेशन हो, उनको एक तरीके से प्रेशर में डाला जा रहा है कि वो सरकार के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ या तृणमूल के खिलाफ कुछ बोले ताकि उनको तोड़ा जाए, दबाया जाए, प्रेशर में डाला जाए। कितने समय से शारदा का जांच चल रहा है? कम से कम 2.5 साल से। शारदा कांड में लिप्त एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन नहीं किया है, ना हमारा ये मकसद है। मगर भ्रष्टाचार को भी हम विपक्ष में रहते हुए बंगाल में उजागर न करें? ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो है कि जो भ्रष्टाचार यहां पर बढ़ा है, पनपा है, उसको उजागर कर। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार है नारदा शारदा की? स्वाभाविक रूप से वो पार्टी की अध्यक्ष है, यहां पर मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करना, उनके मंत्रियों को कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या नहीं, क्या आपको लगता है कि वो भी जेल जा सकती हैं? क्या वो भी फंस? मैंने ऐसा नहीं कहा। कौन जेल जाएगा ये भी नहीं कहता,
मगर भ्रष्टाचार न बढ़े इसकी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी की होती है, पार्टी के अध्यक्ष की होती है। इसके अलावा दूसरा जो आप पे आरोप लग रहा है अमित शाह साहब, वो ये कि जैसे जैसे आप बंगाल में अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने की कोशिश करो, वैसे वैसे यहाँ पे भगवाकरण की कोशिश का आरोप आप पे लग रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने अब काउंटर में हम लोग देख रहे हैं कि रामनवमी, हनुमान जयंती रैलीज इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी कि कहीं ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी ही एक धार्मिक पार्टी है। वो कहते हैं कि जितना धर्म आप जानते हैं उतना ही धर्म हम जानते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छा है, हमारे कारण उनको धर्म तो याद आ गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ही चक्कर में उनको याद आ रहा है? क्योंकि पहले यहाँ पे इस तरह की रैली नहीं होती थी, इस तरह से ना राम जन्मी मनाया जाता था, ना ही उस तरीके से रैली निकलती थी, कम से कम तृणमूल तो नहीं निकालती थी। देखिए, यहाँ की राम जन्मभूमि की रैली, रामनवमी की रैली भी भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं की, कोई सामाजिक संस्था ऑर्गेनाइज करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इसमें हिस्सा लेते हैं। पर ये एक बात साफ हो गई लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी ही अब प्रिंसिपल ऑपोजिशन है कोलकाता की। वो बंगाल की जनता तय कर चुकी है राहुल जी, 3 चुनाव से उपचुनाव जो होते हैं उसमें हम नंबर 2 बन रहे हैं, बाकी सारी पार्टियां ऑपोजिशन की, बंगाल में जो ऑपोजिशन की पार्टियां इरेलीवेंट होती जा रही, तो बंगाल में अब बीजेपी ही प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का स्थान ले चुकी है। और अगले चुनाव में आप 2019 में मेरी बात याद रखना, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर बाहर आएगी। आप ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, जिस दिन आप नक्सलबाड़ी में थे उसी दिन इत्तेफाक से सुकमान्य में नक्सल हमला हो गया, तो लोगों ने कहा कि नक्सलबाड़ी आप जा रहे हैं, वहां से अपनी पार्टी के एक्सपेंशन की शुरुआत कर रहे हैं, और उसी वक्त पे नक्सल हमला हो गया। सवाल पूछे गए कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इतने बड़े दावे किए गए कि हमने कमर तोड़ दी, फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अब उन नक्सलियों के पास कोई पैसा नहीं, मार्च में भी हमला किया, अभी भी हमला किया, 2 दर्जन से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। देखिए, आपका जवाब, सवाल का जवाब मैं 3 हिस्सों में दूंगा। पहली बात कि नक्सलबाड़ी का सिलेक्शन क्यों हुआ? राहुल जी, ये वही जगह है जहां से हिंसा के माध्यम से परिवर्तन की थियोरी को इवॉल्व किया गया और देश ने बहुत खराब परिणाम भुगतने पड़े हैं। माओवाद, नक्सलवाद, ये पूरे देश की जनता ने, लगभग 9-10 राज्यों की जनता ने इसको भुगता है। उसी जगह से मेरा भारतीय जनता पार्टी के एक्सपांशन का प्रोग्राम शुरू करने का, दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना शुरू करने का मकसद ये था कि जिस विचारधारा ने हथियारों से बदलाव हो सकता है ये थ्योरी दी थी, इसके विपरीत हम नरेंद्र मोदी की सबसे सबका साथ सबका विकास और दीनदयाल जी की अंत्योदय की थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरा मकसद था। दूसरा, जहां तक सुकमा का सवाल है, आप निश्चित मान कर चलेगा कि सुकमा की घटना, इन पर जो दबाव बढ़ा है, इसकी बौखलाहट है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर वामपंथी चरमपंथियों पर जिस प्रकार का दबाव बढ़ा है और जिस प्रकार के कदम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उठाए, मैं मानता हूं कि इतने दशकों की ये लड़ाई में इस सबसे अच्छे तरीके से इसका एक कह सकते हैं मजबूत मुकाबला करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और उसी का रिएक्शन है। पर वो अभी भी हमें चोट पहुंचा। मेरी बात सुनिए ना, लड़ाई जब होती है राहुल जी, तब ऐसा नहीं होता कि एक ही ओर हमला होता है। लड़ाई इसी को कहते हैं जब दोनों ओर से हमला होता है। मगर ये 24 जवान जो शहीद हुए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं राहुल जी, इनकी शहादत विफल नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मजबूती के साथ रणनीति को बदलते हुए इसको नष्ट करने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए मजबूती से काम करेगी। क्या आपको लगता है? देश के प्रधानमंत्री ने भी देश की जनता को ये भरोसा दिलाया है और देश के गृहमंत्री जी ने भी दिलाया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ये भरोसा दिलाया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब इतनी तो साख बना ली है कि देश विरोधी की ताकतों को दबाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सक्षम है। क्या आपको लगता है कि नक्सल टॉप लीडरशिप पे सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया? सर्जिकल स्ट्राइक शब्द प्रयोग ठीक नहीं है, मगर कठोर कार्यवाही होगी। नहीं, पर सवाल ये भी उठा कि अब आप ही को 3 साल होने को है, 5 किलोमीटर बने हैं करीब 60 किलोमीटर की सड़क में पिछले 5 साल में, उसमें से 3 साल तो आपके हैं, तो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विकास हो रहा है साथ साथ बहुत तेजी से, 5 किलोमीटर 60 में से 5 किलोमीटर आप एक रोड को मत पकड़िए, ये पूरे एरिया में 3000 नए स्कूल बने हैं,
लगभग लगभग 250 के आसपास पब्लिक हेल्थ सेंटर बन गए हैं, सेकेंडरी स्कूल बन गए हैं, छोटे छोटे रोड बने हैं। और एक नेक्सस जब बना हुआ होता है तो वो नेक्सस को समाप्त करने में रणनीतिक दृष्टि से बड़ा समय लगता है और वहां पर स्थितियों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। वहां पर हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, पंचायत का चुनाव हुआ है, ये सारी चीजें वहां पर रिस्टोर हो चुकी है। आज एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच चुका है, जहां एक जमाने में कलेक्टर को उठाकर ले गए थे वहीं पर अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री ने 30,000 की बड़ी आम सभा करी है। राहुल जी, परिस्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, मगर एक घटना जब होती है तो इसके परिप्रेक्ष्य में सारे प्रयासों को विफल मानना मैं नहीं मानता अच्छा एनालिसिस नहीं, क्योंकि जब मनमोहन जी की सरकार थी, दंतेवाड़ा का अटैक हुआ, उस वक्त जो ईएन राममोहन कमेटी की रिपोर्ट बनी, 76 हमारे जवान मारे गए, उस रिपोर्ट में जो लिखा गया कि क्या गलतियां हुई, अगर उनकी तुलना आप करते हो 2017 के इस अटैक से, एक ही जगह पर बैठ के सब लंच साथ में कर रहे थे, उसी सड़क का बार बार इस्तेमाल हो रहा था, उसी वक्त पे लगभग निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां मनमोहन जी के वक्त पे हुई, हूबहू 7 साल बाद हमने वही गलतियां दोहराई। भैया, कमेटी की रिपोर्ट बनाना बहुत सरल होता है, अगर जवान एक साथ नहीं रहते तो वहां जिंदा ही नहीं रह सकते, जवानों ने एक साथ ही गश्त लगानी पड़ती है, और जब जवान खाने बैठे तब भी उनकी सुरक्षा का घेरा था, मगर नक्सलियों ने गांव वालों को आगे रखकर हमला किया, इसके कारण जवान कुछ समय के लिए पसोपस में रहे, गांव वालों की भी चिंता करनी पड़ती है, आगे महिलाओं को बंदूक की नोक पर लाया गया था और सड़क एक ही है, एक ही सड़क पर से गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट और जमीनी स्थिति में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अटैक हुआ छत्तीसगढ़ में, दूसरा अटैक हुआ कश्मीर में, और वहां पे भी हम कश्मीर को लेके तो इस वक्त दुनिया भर में चिंता है, और कुछ लोगों ने तो यहां तक संपादकीय लिखा कि क्या कश्मीर भारत के हाथ से निकल रहा है, स्थिति वहां पे दिन ब दिन खराब होती चली। आप इस सवाल का या इस कंसर्न का क्या जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, कोई संभावना नहीं है कश्मीर भारत के हाथ से निकलने का, वो छोड़ दीजिए। इस देश में अब इतनी जागरूकता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, कश्मीर कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकता। संपादकीय लिखने वालों को स्वतंत्रता होती है लिखने के लिए, मगर कभी नहीं हो सकता। और एक फेज है, फेज अपने आप सब लोग मिलकर प्रयास करने से फेज भी हम निकाल लेंगे। अमूमन कश्मीर में जो भी हॉट समर कहते हैं वो हर साल नहीं होती, कुछ कुछ वक्त के बाद आती है। पिछले साल भी बुरहन वानी का जब इनकाउंटर हुआ तब स्थिति खराब थी, अभी भी स्थिति खराब है। हाल में आपने तस्वीरें देखी होंगी, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूल के बच्चे पत्थर पकड़ के हमारे फोर्सेस के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं कश्मीर में, उसको लेकर मैं ये नहीं कहता कि चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई हम हार जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी हम अच्छे से स्ट्रेटेजी राहुल जी कैमरा के सामने नहीं बताई जा सकती, नहीं पर आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो देना। देखिए, मैसेज दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, वहां के मुख्यमंत्री ने दिया है, देश के गृहमंत्री ने भी दिया है मैसेज, तो हम इसको स्थिति को संभालेंगे और सबके साथ चर्चा करके इसका रास्ता भी निकालेंगे, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती की सरकार से जो टाई अप हुआ उससे फायदा मिला आपको, या आपको लगता है अब जो आप देखते हैं कि क्या पता गड़बड़? मुझे लगता है इसका एनालिसिस करने में ये समय उचित नहीं है, जब इसका कालखंड समाप्त हो तभी करना चाहिए। ये आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस है कि कश्मीर की स्थिति कम से कम काबू में आएगी? निश्चित रूप से काबू में आएगी, और कश्मीर मजबूती से के साथ भारत के साथ जुड़ा। क्या मिलिटेरिली काबू में आएगी कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग भी हो? दोनों तरीके से, कोई एक रास्ता, जब तक सामने से शस्त्र उठाकर कोई काम कर रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, चुप नहीं बैठ सकते आप, मगर इसके साथ साथ कूटनीतिक रास्ते भी खुले हैं और उस रास्ते पर भी प्रयास हो ही रहा है। हो रहे हैं प्रयास जी। दिल्ली पे आते हैं, ये हम लोगों ने पहली दफा देखा कि कोई पार्टी जीतती है लेकिन जो पार्टी हारी है वो हार ही नहीं मान रही। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी जीत गई दिल्ली में, वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम ने हमें हरा दिया, मोदी ने नहीं हराया, अमित शाह ने नहीं हराया। देखिए, अब ये तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक प्रकार से परिचय है कि वो किस प्रकार की राजनीति में विश्वास करते हैं। आजाद हुए तब से इस देश में बहुत सारे परिवर्तन
लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं। हमने बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। जब कोई भी देश मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तब परिवर्तन स्वाभाविक होता है और जनता के आदेश से होता है, जनादेश से होता है। और जो हारता है चुनाव उसने इसको स्पिरिट से लेना चाहिए। हम भी बहुत जगह पे हारे, दिल्ली में भी हम हारे थे। मैंने स्वयं केजरीवाल जी को बधाई दी थी और केजरीवाल जी का एक ही, अभी जैसे कोई विष्णु नाम का जाप करता हो ऐसे वो ईवीएम का जाप कर रहे हैं। मगर मैं उनको ये बड़ी विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूं कि यही ईवीएम मशीन से 2015 में आप चुनाव जीते हो। अगर ये ईवीएम मशीन खराब थे और भाजपा सरकार मैनिपुलेट कर रही है तो जब आप चुनाव जीते तब भी भाजपा सरकार थी और तब भी ये ईवीएम मशीन थे, तो आपके बहुमत जो 67 सीटों का आया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और अगर ईवीएम टेम्पर्ड होते थे तो कांग्रेस क्यों जीती पंजाब में, बंगाल में ममता बनर्जी क्यों जीती, बिहार में आप हार गए, बिहार में हम हार गए, तमिलनाडु में हम हार गए, केरल में कांग्रेस जीती, अरे कम्युनिस्ट जीते, क्यों हुआ भाई? मगर हार को स्वीकार न करना मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। तो कह रहे हैं कि हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन की पार्टी हैं, मोदी ने नहीं हराया, ईवीएम ने हराया, हम तो आंदोलन करने वाले हैं इसके लिए। देखिए उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ भी आंदोलन किया था और मैं मानता हूं इसी का नतीजा ये परिणाम है। आपको लगता है कि नोटबंदी की वजह से लोग ना? नहीं, उनका जो अप्रोच है किसी भी चीज को नेगेटिव नकारात्मक तरीके से सोचना, पूरे देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी सरकार के प्रशंसा कर रही है, पूरे देश की जनता मोदी सरकार का के प्रशासन को अच्छा मान रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में अपनी स्थिति बढ़ाने में, अपनी सम्मान बढ़ाने में सफल रहा है, पूरा देश मान रहा है। आपके न मानने से क्या होगा भाई? आप ये जिस प्रकार की बहानेबाजी की और नकारात्मक राजनीति केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी, मैं मानता हूं कि इसका उस हार में बहुत बड़ा रोल है। क्या आपको लगता है कि इस एमसीडी की इतनी बड़ी हार के बाद और आपकी जो स्थिति हुई, खासतौर से जिस मुकाम पे वो थे जहां से गिरे, अब केजरीवाल की सरकार अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है दिल्ली में बने रहने के लिए? मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, सिर्फ केजरीवाल की एक बात याद कराना चाहता हूं। केजरीवाल जी कहे थे कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने राइट टू रिकॉल का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया है। ऑटोमेटिक राइट टू रिकॉल, ऑटोमेटिक राइट टू रिकॉल नहीं, अब सोचना उनको है। पर एक जो आरोप लगा आपकी तरफ से वो ये था कि बीजेपी अब हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कि दर्जन से ज्यादा आपके एमएलए से बीजेपी के नेता संपर्क में है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि आपके एमएलए तोड़ के चले जाए ताकि सरकार गिर जाए। हमारी ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की। इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं आप, कह रहे हैं कि आपकी ओर से कोशिश नहीं, मतलब आपके लोग आपसे संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन भी नहीं है, ना कोई कोशिश हो रही है। तो मतलब ये जो कहा जा रहा है, इस पर भी कई लोगों ने लिखा कि जो उत्तराखंड में हुआ, अरुणाचल में हुआ, अब अमित शाह करने वाले हैं दिल्ली में, प्रेसिडेंट रूल लगवा देंगे, तोड़ देंगे आपकी सरकार। कहीं पर भी कोई बाहर का आदमी सरकार नहीं तोड़ सकता जब तक आपकी पार्टी में डिस्प्यूट ना हो। आपको लग रहा है आप में डिस्प्यूट है? मुझे नहीं लगता, उनको लगता होगा इसलिए एडवांस में कह रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हो सकता है कि डिस्प्यूट हो, आपको भी नजर नहीं आ रहा? आपका कोई प्लान नहीं? मैं तो कलकत्ता के बूथों में धूल फांक रहा हूं भैया, मुझे मालूम नहीं वहां क्या चल रहा है, मगर उनके स्टेटमेंट पर से मुझे लगता है कि इनके यहां कोई डिस्प्यूट चल रहा है। आपको लग रहा है कि वहां पर उनके स्टेटमेंट पर से नहीं, पर क्या आपको लगता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द आम आदमी पार्टी? आपको लगता है यहां से बाउंस बैक कर सकते? भाई मैं हमेशा सकारात्मक राजनीति में मानता हूं। मैं दिल्ली के परिणामों का एक ही एनालिसिस करना चाहता हूं कि पूरे देश की तरह दिल्ली की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपकी जो टीम थी एमसीडी वाली, वो आपको ही मालूम था किसी काम की नहीं, काम वो ठीक से करनी, आपने पूरी की पूरी टीम बदल दी। नहीं, ये पर यह बात सही है, एमसीडी पहले आप ये बात स्पष्ट कर लीजिए कि ये एमसीडी की पुरानी टीम थी, ये कोई काम की नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक नहीं है, ना मेरी ऐसी सोच है।
ये सारे कार्यकर्ता हमारे काम के कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ता संगठन में हटाए फिर क्यों? नहीं, मेरी बात सुनिए, अब संगठन में जिम्मेदारी संभालेंगे। 10-15 साल से ये कार्यकर्ता कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते थे, एमसीडी का काम देखते थे, और संगठन में बहुत सारे नए कार्यकर्ता आए थे। एक पार्टी ने निर्णय किया कि सारे लोगों को अब संगठन का काम करना है, नए लोगों को चुनाव लड़ाना है। इसको किसी की क्वालिटी के साथ या आरोपों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत दिनों से दिल्ली बीजेपी खोज रही थी एक चेहरा जो केजरीवाल से मुकाबला दे पाए। अभी हमने देखा कि जो हमारा एग्जिट पोल था एक्सेस फॉर इंडिया का, उसमें केजरीवाल की लोकप्रियता थी 25%, मनोज तिवारी की थी 21%। तो आपको लगता है भोजपुरी स्टार में आपको चेहरा मिला है? देखिए, मनोज जी अच्छा कर रहे हैं, लोकप्रिय तो है ही, कलाकार भी है और पूर्वांचली भी है, और इस चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या वो आपके चेहरे होंगे जब दिल्ली में चुनाव? वो कहना बहुत जल्दबाजी होगी राहुल जी, हमारी पार्टी में फैसले वो हमने देख लिया। जिस तरीके से आप योगी आदित्यनाथ को लेके आए उत्तर प्रदेश में, हमारी इस पे अटकलबाजी करना फायदे का सौदा नहीं। पार्टी में इस तरह से फैसले नहीं होते, सोच विचार कर टीम बैठकर फैसले करती है, और अब आप लोगों को फैसले मालूम भी नहीं पड़ते। सही बात है, इसमें तो मैं बिल्कुल भी नहीं, आपसे पूछना भी मतलब व्यर्थ है, क्योंकि आप बताते नहीं है और बताएंगे भी तो सही नहीं बताएंगे, कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ के अब तक के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखें? बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, और यूपी में हालांकि उनके खिलाफ चैलेंज बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूपी में चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर विध्वंस हुआ पड़ा है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का सांप्रदायिकरण हुआ है, जातिवाद में लिप्त हो गया है, उसको सुधारना एक बहुत बड़ा हिमालय चढ़ने जैसा काम है। मगर फिर भी योगी जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और जो शुरुआत हुई है, मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि यूपी में अच्छा परिवर्तन आएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ वाक्य ऐसे हुए, हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन गौरक्षक पार्ट टू, एक बार पहले की थी, फिर मोदी जी का बयान आया, फिर हमने फिर से की, उसमें ये कैमरे पे बहुत खुले तौर पे मान रहे हैं कि हम पिटाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को पीटते हैं, ऐसा पूरी स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं कि हम तोड़ते हैं कि तो ऐसी टांग तोड़ते हैं कि खून ना लगे, ताकि जब केस हो तो हम लोग छूट जाएं। अब देखिए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी या हमारे सहयोगी संगठनों से जुड़े हैं ऐसा नहीं, इस प्रकार के एलिमेंट सोसाइटी में होते हैं। अगर आप भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारी चीजों पर बहुत जल्दी से कंट्रोल कर लेगी। और मैं बताना चाहता हूं राहुल जी कि ये एक ही पक्ष नहीं होता है कानून और व्यवस्था का, बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत सारा सिर्फ सरकार बनने से ही अपने आप में बहुत सारा सुधार हुआ है, और हकारात्मक सकारात्मक संदेश भी जनता के बीच में गया है, ऐसा नहीं है। मगर इसको मैं हल्के से नहीं लेता, मेरी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको खत्म करना चाहिए और उसको कठोरता से समाप्त करना। अच्छा, हम लोग ट्रिपल तलाक पे आते हैं, ट्रिपल तलाक को आपने बहुत बड़ी मुहिम के तौर पे देखा, हमने तो यहां तक देखा कि कई सारी मुस्लिम महिलाएं आई हुई है योगी जी से मिलने के लिए, जब वो जनता दरबार करते हैं तो लोग आके अपनी पीड़ा बताते हैं, और हमने भी जो शोज किए मुस्लिम महिलाएं वाकई पीड़ित हैं। क्या आपको लग रहा है कि हम ट्रिपल तलाक को खत्म करने की दिशा में बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जमके मुखालफत करें वो नहीं मान रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो मिलने चाहिए, इसलिए हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अपना स्टैंड देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रख दिया है, स्पष्ट कर दिया है। अब 15 मई से अदालत में बहस होनी है, इस पर मेरी अभी टिप्पणी करना कोई बहुत उचित नहीं होगा, मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम मानते हैं कि इस देश की मुस्लिम महिलाओं को भी जो संविधान प्रदत्त अधिकार है वो मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ईवीएम की चर्चा हुई तो खत्म होने से पहले एक जो दूसरी डेफिनेशन निकली ईवीएम की, वो है कि इलेक्शन विनिंग मशीन, वी को आप डब्ल्यू कर दीजिए, तो इलेक्शन विनिंग मशीन। क्या आपको लगता है कि आपने कामयाबी के साथ बीजेपी को एक इलेक्शन विनिंग मशीन बना दिया? मतलब अभी आप एमसीडी के चुनाव जीते, लोगों को लग रहा है कि थोड़ा आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे कि आपने दिल्ली में जिताया, उसके बाद आप तो यहाँ पे बंगाल आ गए, मतलब लगातार एक के बाद एक आपका एक ही मकसद। मैं तो कश्मीर जा रहा हूँ परसों, उसके दो दिन बाद हिमाचल जा रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन विनिंग मशीन ये इस तरह का बोलना एक इंटरव्यू में बहुत सरल होता है,
मगर जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, कठोर परिश्रम से चल रही है, बड़े मनोयोग से मोदी जी सरकार को चला रहे हैं और हमारे सारे मंत्री भी बहुत मेहनत कर मोदी जी के डायरेक्शन को नीचे तक ले जाने में सफल रहे हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। एक लंबे समय के बाद देश की जनता ने निर्णायक जनादेश दिया था। 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत लेने का काम इस देश की। अमूमन 3 साल में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। जरा भी नहीं हुई और आप चिंता मत करिए 19 तक नहीं होगी राहुल जी। 19 तक ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि 2019 में आप नहीं हार ही रहे। भाई ऑपोजिशन भी परिश्रम बढ़ाए बयानबाजी करने की जगह, हम हर निश परिश्रम कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार को अच्छे से चलाने का परिश्रम कर रहे हैं। संगठन में बैठे हुए कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ने का और सरकार के काम को पहुंचाने का और पार्टी को एक्सपांशन के लिए हर जगह, हर ऐसी जगह जहां भाजपा नहीं है वहां जाने का प्रयास करें। मैं मानता हूं ये परिश्रम जो है वही इलेक्शन विनिंग मशीन है। पर 2019 इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मायावती का हमने हाल का बयान सुना। मैंने कहा उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को हराने के लिए सपा से सपा कांग्रेस तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने विरोधियों से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं कि जो बड़ा दुश्मन है उसको हराने के लिए छोटे दुश्मन हाथ मिला लें। अगर फर्ज कीजिए इस चुनाव में ही आप एसपी बीएसपी कांग्रेस का वोट शेयर जोड़ देते तो मुश्किल हो जाता, जैसे बिहार में हुआ आपके लिए। देखिए राहुल जी, 220 सीटें ऐसी है जहां सीधा कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है, एक बात। दूसरी बात, सारे लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा हो वो उनकी मंशा का सवाल है। और मैंने कभी नहीं कहा कि 2019 सरल है, मैंने इतना ही कहा 2019 हम जीत जाएंगे। आपको लगता है कि ऑपोजिशन यूनाइट होगा, एक तरफ टीम मोदी दूसरी तरफ टीम ऑपोजिशन, वो उन पर निर्भर करता है। नहीं आपको लगता है आप प्रिपेयर्ड हैं उसके? मैं क्यों ऐसी बातें सोचूं, मैं मेरी पार्टी को बढ़ाने में लगा हूं। मोदी जी सरकार अच्छे तरीके से चलाते हैं, उनके सरकार के सभी योजनाओं को लेकर, उनकी सरकार की सभी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारी विचारधारा को लेकर जा रहे हैं, हमारे संगठन के काम को लेकर जा रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर। पर इंदिरा गांधी जी के लिए भी मुश्किल हो गया था जब इमरजेंसी के बाद सब लोग एक हो गए थे तो पूरा विपक्ष बनाम एक पार्टी इंदिरा गांधी के लिए भी काफी मुश्किल लड़ाई थी। नहीं ठीक है, नहीं आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर सब मिल भी गए तब भी जीत जाओगे? 2019 का चुनाव अभी से बड़े बहुमत के साथ एनडीए जीत जाएगा। अगर ऑपोजिशन यूनाइट हो गया तब भी? वो बात आप छोड़ दीजिए, अभी से बड़े बहुमत के साथ एनडीए 2019 में चुनाव जीत जाएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, नाम मैं नहीं पूछूंगा, नाम पूछने का कोई फायदा नहीं है, नाम बताने वाले, और अगर कुछ चला भी तो अमूमन लगता है कि गड़बड़ी होता है, तो नाम पूछने का तो कोई सवाल स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नहीं हम तो पहले प्रयास करेंगे कि सभी लोग साथ में रहकर देश के राष्ट्रपति का नाम तय करें। नहीं पर जैसे वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दिए, आप भी ऐसा कोई आइकॉनिक चेहरा चाहेंगे? अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं से ही या बीजेपी से ही निकल, अभी ऐसी कोई चर्चा किसी स्तर पर नहीं हुई। अब एनडीए के साथियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, हमारे नेता भी साथ में बैठकर इसका विचार करेंगे, बाद में ही निर्णय होगा। अभी मैं यहाँ पे आने से पहले एमसीडी चुनाव के बाद कुछ कांग्रेसियों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मुक्त भारत अमित शाह ने कहा तो उन्होंने उस टाइम पे ये तो नहीं एक्सप्लेन किया कि सारे कांग्रेसियों को आप बीजेपी में ले लेंगे इसलिए कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत। तो वो ये कह रहे हैं अभी अरविंदर लवली आए हाल में, उससे पहले आप उत्तर प्रदेश में देखिए रीता बहुगुणा जोशी, उत्तराखंड में देखिए, ये जो आपकी एक स्ट्रेटेजी है टैक्टिक है कि आप कांग्रेसियों को ही ले लेते हैं अपनी पार्टी में फिर कैसे कांग्रेस मुक्त? ऐसा नहीं है, देखिए रीता बहुगुणा हमारे पास 325 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से कांग्रेस से आए हुए 4 हैं, तो कांग्रेस ही आते ही इसी के कारण सरकार बनती है ऐसा नहीं, ये कहना भी ठीक नहीं। मानो उत्तराखंड में हमारे पास 57 विधायक हैं तो कांग्रेस से आए हुए 8 हैं। बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है, 57 में से 8 निकाल दो तो भी बहुमत होता है, 325 में से 4 निकाल दो तो भी बहुत बड़ा बहुमत बनता है। इसको इस तरह से प्रचारित नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता जुड़ता है तो वो चुनाव के पहले जुड़ता है और चुनाव के पहले जुड़ने के बाद एक जनादेश प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और विचारधारा को स्वीकार करके जनता के सामने वो जाता है, चुनाव फेस करकर वो विधायक या सांसद बनकर सरकार में जुड़ता है। तो ये प्रक्रिया को राजनीति के अंदर अलग दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। जो इंदिरा जी के जमाने में आया राम गया राम की
व्याख्या हुई थी, इसको इसके साथ मत जोड़िए, ये अलग प्रकार की प्रक्रिया है। मानो चुनाव हो रहा है उसके पहले कोई अपना विचार बदलकर पार्टी, आज लवली जी जुड़े हैं हमसे, क्या हासिल है? कोई हासिल नहीं है। दिल्ली के चुनाव का अभी का भी समय बाकी है। अब वो चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको बीजेपी के सिंबल पर वोट देगी तो मैं नहीं मानता इसमें कोई अनुचित या नैतिक चीज है। ये ठीक ही है, जनता ने लवली को भी स्वीकार किया, भाजपा को भी स्वीकार किया, और लवली को भाजपा के प्रत्याशी नाते स्वीकार कर दी है, तो किसी को बोलने की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर में इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, क्या आप मानते हैं कि फोर्स मोदी इज नाउ अनस्टॉपेबल, कि टीम मोदी और शाह जो है उनको अब रोकना? देखिए, मोदी जी का विजय रथ पूरे देश में बहुत तेज गति से चल रहा है और 2019 के चुनाव तक ये चलता रहेगा। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो वोटर ही तय करेंगे, लेकिन आपका परिश्रम एक तरफ से जारी है, उसमें उस रथ में कोई नहीं, मेरे परिश्रम में कभी कमी होने का सवाल नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव है। चलिए, आप जुड़े हमारे साथ, आपने हमें वक्त दिया, अमित शाह बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी अमित शाह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।